ये है 2023 की न्यूली लॉन्च यामाहा R15 वर्जन 4.0 का OBD2 मॉडल BS6 अपडेट के साथ नया कलर। इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, नए फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है और साथ में इस बाइक की नई ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। बाइक के पहले सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो अब यहाँ पर आपको एक नया वाइट कलर मिल जाता है ऑरेंज कलर के एलॉय के साथ। दूसरा अपडेट ये है कि यहाँ पर अब आपको R15 का जो स्टिकर है वो ग्रे कलर में दिया है। ऊपर में आपको थोड़े से ग्रे और रेड कलर के स्टिकर है, नीचे में वर्जन 4.2 की बैजिंग है। जैसा कि ये सेकंड टॉप मॉडल आप देख रहे हैं तो टोटल यहाँ पर आपको एक नया वाइट कलर मिलेगा जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। अगर आप इस कलर को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको थोड़े से चमकीले माइनर से पार्टिकल यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। फेयरिंग के नीचे में यमहा यहाँ पर स्टिकर से लिखा हुआ है ग्रे कलर में और इसका जो पेट्रोल टैंक है ये यहाँ पर आपको फुल ग्लॉसी वाइट कलर का मिलता है। 11 लीटर की कैपेसिटी है। साइड में 3D क्रोम का यामा का लोगो है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का स्टिकर है। ये जो बाइक है वो E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती है और सीट काउल के ऊपर में BBA की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। पहले यहाँ पर आपको नीचे की साइड में स्टिकर ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलते थे, बट यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे और नए यहाँ पर आपको अब एलॉय व्हील मिल जाते हैं ऑरेंज कलर के, पहले आपको नहीं मिलते थे। बाकी 140/70/R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। जी हाँ, ये जो टायर है वो रेडियल है, 140mm का काफ़ी वाइड टायर दिया गया है और पीछे में आपको मिल जाता है छोटा सा टायर हगर और 140mm इसके पीछे वाले टायर की मोटाई है। पीछे में 220mm की डिस्क मिलती है, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है और ये जो एग्जॉस्ट है ये भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसा कि आप इसके ऊपर वाले मफलर गार्ड को देख सकते हैं, सिंगल टोन कलर का यहाँ पर यूज किया है। पहले यहाँ पर आपको 3-tone कलर मिलता था। नीचे वाला हिस्सा इसका मेटल का, ऊपर का जो मटेरियल है फाइबर का है। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने, जैसा कि OBD2 वाला मॉडल है तो इसका जो इंजन का साउंड है वो भी थोड़ा सा रिफाइन हो चुका है और यहाँ पर यामा की ब्रांडिंग है। ये है इसका डेल्टा बॉक्स फ्रेम चेसिस और 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसके इंजन में 850ml इंजन ऑयल डाला जाता है। इंजन को ठंडा करने के लिए इसमें आपको मिलता है रेडिएटर कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल्ड के साथ और इसमें आपको 155cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve BS6 FI इंजन दिया है जो मैक्स पावर देता है 18.4 PS की 10,000 RPM पर और 14.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है 7,500 RPM पर। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आ जाती है। चलते हैं बाइक के आगे की तरफ तो आगे वाला ये जो मडगार्ड है ये अब आपको मिलता है फुल ग्लॉसी वाइट कलर में प्लास्टिक का और यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरह का टायर का पैटर्न और 282mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाती है। आगे भी ABS, पीछे भी ABS, ये ABS की प्लेट है। यहाँ पर बाइब्रे के कैलिपर मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस बाइक की ये है कि यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के 37mm डायमीटर के USD अपसाइड डाउन फॉर्क मिलते हैं। 100/80 सेक्शन का टायर मिल जाता है और 17 इंच का इसमें अब एलॉय व्हील दिया गया है ऑरेंज कलर का। फ्रंट हेडलाइट सेक्शन की अगर हम बात करें तो भाई इसकी जो फेयरिंग है वो 150cc में काफ़ी खतरनाक है। ऊपर में आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास, बोथ साइड एडजस्टेबल, यहाँ पर आपको फेयरिंग के दोनों साइड में मिरर मिलते हैं और सेंटर में आपको वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है और साइड बाई साइड यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाते हैं जो देखने में इस बाइक को 4 चांद लगा देते हैं। और ऊपर में आपको R15 का स्टिकर दिया है। देखा जाए तो 150cc की कोई भी ऐसी बाइक नहीं है इसकी फेयरिंग को टक्कर दे सके। इस बाइक का कर्व वेट है 142 kg और पीछे में आपको मिलती है सिंगल पीस LED वाली टेल लाइट और हेलोजन वाले यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलते हैं। LED वाले नहीं दिए, अगर कंपनी LED वाले देती तो काफ़ी अच्छा रहता। 3 साइड बाई साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और नंबर प्लेट के लिए भी आपको सेपरेट लाइट मिलती है। चलते हैं बाइक के मीटर कंसोल एरिया की तरफ तो भाई ये जो टैंक है वो आपको वही पुराना वाला ही मिलता है। यहाँ पर आपको इंजन के सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया, एक ही बटन में दोनों चीज़ें। यहाँ पर आपको हैजार्ड का बटन है। बाकी जो हैंडल बार यहाँ पर आपको मिलती है ये भी एडजस्टेबल है और जो इसके सस्पेंशन के साथ अटैच है और ये जो चाबियाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आपको नॉर्मल मिलती हैं, वेव की नहीं है। और इसमें आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साइड में चेक इंजन की लाइट है, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, यामाहा ABS और यहाँ पर आपको शिफ्ट टाइमिंग लाइट ऊपर में सेंटर में देखने को मिलती है। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है।
बाकी यहाँ पर आपको इंजन कूलेंट टेम्परेचर और यहाँ पर आपको SMS अलर्ट कॉल अलर्ट, यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, स्ट्रीट मोड मिल जाता है, ट्रैक मोड मिल जाता है, RPM मीटर और ऊपर में आपको क्लॉक मिलती है, घड़ी मिलती है, स्पीडोमीटर, नीचे में आपको फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाते हैं। इस बाइक की मीटर कंसोल को एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे में आपको सेल्फ की बटन के नीचे में आपको एक बटन मिलती है, अगर आप इसको राइट में दबाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप एफ और ओडोमीटर और ट्रिप मीटर की सारी जानकारी देखने को मिलेगी। इसी के विपरीत अगर आप इसको लेफ्ट में दबाते हैं बटन को तो यहाँ पर आपको एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, TCS अभी इसका ऑन है, बैटरी वोल्टेज मीटर देख सकते हैं और ट्रैक भी देख सकते हैं कौन से मोड में आप बाइक को चला रहे हैं। इसी के साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और 145 की टॉप स्पीड निकाल कर दे देती है आसानी से। और इसी के साथ ये बाइक आपको देती है 45 से 50 KMPL का माइलेज, यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न, और यहाँ पर आपको मिलता है क्लच जो कि काफ़ी लाइट है देखा जाए तो, और बोथ साइड एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं जो कि इसके फेयरिंग के साथ में अटैच किए गए हैं। दोस्तों चलते हैं बाइक के दूसरी साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ भी आपको R15 वर्जन 4.2 की बैजिंग मिल जाती है ड्यूअल टोन कलर के स्टिकर के साथ, और पीछे वाले प्लेन को कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के फोल्डेबल फुटपैक्स मिलते हैं। ये है इसका कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड और ये है इसका ओपन चैनसेट कवर जो कि प्लास्टिक का है, और ये जो स्विंग आर्म आप देख रहे हैं ये आपको मिलता है एल्यूमिनियम बॉडी का, और यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। और पीछे में आपको लिंक टाइप का मोनोक्रॉस एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। बाकी इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप मिल जाता है, इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं और इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है क्योंकि ये जो क्विक शिफ्टर है ये आपको मिलता है सिर्फ R15M वाले मॉडल में। साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, मेन स्टैंड आपको नहीं मिलेगा। ये जो फुटबैक्स हैं वो आपको थोड़े से पीछे की तरफ ज़्यादा मिलते हैं। तो प्राइस की बात करें तो न्यू यामाहा R15 वर्जन 4.2 OBD2 वाले इस मॉडल की एक्सोरूम कीमत है 1,86,700 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,24,136 रुपये। दोस्तों वहीं पर ये है ऑल ब्लैक कलर मैट फिनिश में यामाहा की R15 और इसकी एक्सोरूम कीमत है 1,82,700 रुपये, ऑन रोड कीमत है 2,19,331 रुपये, और इसी के जस्ट बगल में खड़ी है सिंगल सीट वाली यामाहा की R15S जो कि सिंगल सीट में आती है, और सिंगल सीट में इस बाइक की एक्सोरूम कीमत है 1,63,700 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,96,600 रुपये। इसी के साथ न्यूली लॉन्च यामाहा R15M TFT कलर डिस्प्ले टॉप मॉडल OBD2 वाले मॉडल की एक्सोरूम कीमत है 1,95,200 रुपये, ऑन रोड कीमत है 2,34,292 रुपये। ये टोटल कीमत मैंने आपको बताई है सभी बाइक की, बैन एंट्री ऑटोमोबाइल यामाहा शोरूम राजारहाट कोलकाता की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना अपनी सिटी का नाम, मैं रिप्लाई करके